अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मीटअप पे, जो हमारे रोड रेज बाइकर्स हैं हैदराबाद। हम लोग का एक मीटअप रखा गया है काफ़ी टाइम के बाद। राइड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो एक हो जाए, मीटअप हो जाए, जिसमें हम अपकमिंग राइड्स की भी बात करेंगे और हाल अहवाल भी करेंगे भाई दोस्तों का। ये देखें, इनको देखें। तो भैया अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है? तो भैया एक ऐसी मखलूक है जो कि पाई तो पूरे पाकिस्तान में जाती है, अच्छा, लेकिन ये मेरे शहर हैदराबाद में जो है ना कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो दूंगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इनके खिलाफ़ जो है ना अब बाकायदा मुझे जो है ना जंग करनी है। अब ये जो एरिया है हमारा, ये रहता है ब्लॉक की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इन लोगों को देखें, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सारे लाइन बना के सारे रोंग में चढ़े हुए इधर, और इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोगों को गैरत नहीं है। ये इधर से निकलना और आना जाना इतना हमारा मुहाल हो गया है इन लोगों की वजह से। ये जो रॉन्ग वे आते हैं, मैं इन मखलूक की बात कर रहा था, ये जो रॉन्ग वे आते हैं, नो रिग्रेट, इन बंदों के चेहरे पे कोई रिग्रेट ही नहीं है। सारे लकीर के फ़कीर बन के आ रहे रॉन्ग वे। और हमारे वाले जो उस रोड पे जाना, इस रोड पे जाना चाहिए, वो देखें, वो सामने वाले रोड पे चढ़े हुए। मतलब यार हद लेवल की हद। सेकंड चीज़ ये, बारिशों की वजह से रोड बन रहा था, तो इस रोड पे सिंगल ट्रैफिक ही जा सकती है, आधा रोड बन रहा है, बट स्टिल वो देखें वहाँ से सारे के सारे रॉन्ग वे चढ़ के आए हुए हैं इधर। मतलब इन लोगों को सिंपल एक अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है इनमें। और वो देखें उधर, मतलब जो ट्रैफिक अपने अपने रोड से चल सकती है, इनको जाना है रॉन्ग वे, इन लोगों को आना है रॉन्ग वे। मतलब यार कहाँ से तुम लोग अकल लाए हो, तुम लोग की क्या लॉजिक है रॉन्ग में जाने की, कि जो चीज़ सिंपल तरीके से हो सकती है वो इन्होंने जाना है रॉन्ग। अब इधर से मुड़ मुड़ के आ रहे हैं हमारी जगह। ये देखें, इसको देखें, ये देखें इन लोग। अबे किधर, अपने रास्ते पे जाओ ना यार। चाचा अपने रास्ते पे इधर कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ कहाँ जा रहे हो, अपने रोड पे जाओ ना चाचा, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर कहाँ जा रहे हो, रॉन्ग वे क्यों जा रहे हो, रॉन्ग वे क्यों जा रहे हो भाई। ये हाल है। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे। इन लोगों से अगर खड़े हो गए आप, पूछो ना कि यार रॉन्ग वे क्यों आ रहे हो, तुम लोगों की क्या लॉजिक है, तो सिंपली बोलते हमें यहाँ जाना है। अरे भाई आगे, अच्छा जहाँ से इन्होंने मुड़ना है ना, वहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना यू टर्न बना के दिया गया है, जहाँ से ये लोग जो हैं यू टर्न करें और अपने मंजिल की तरफ जाएं। बट इनको पता नहीं कितने 5 रुपए का पेट्रोल बचता है यहाँ से आगे, और इधर घंटों खड़े होना पड़ता है इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये रॉन्ग वे आके ट्रैफिक बंद करवा देते हैं। तो होपफुली मेरी ये वीडियोस जो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, और जितने भी लोग ये इस तरह से करते हैं उनको थोड़ी गैरत शर्म आएगी। लेकिन अभी ये देखें, अब ये गाड़ी आ रही है, अभी ये गाड़ी आ रही है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। रॉन्ग में मेन रोड चलता हुआ रोड है, उस पर इन्होंने रॉन्ग में आना है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अपकमिंग आपको जिस तरह दिख रहा होगा कि ये यू टर्न आ रहा है इस तरफ से, और यहाँ से ये सारे रॉन्ग में आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा आगे से घूम के नहीं आएंगे, यहाँ से रॉन्ग में जाएंगे। इन लोगों की हालत देखो, इन लोगों की ये हमारी आवाम है, इसे आ रहे तोड़ तोड़ के। ये सारे इतना चौड़ा रोड है, वो रोड बिल्कुल सही है, थोड़ा सा आगे जाएंगे यू टर्न है, और यहाँ पर ये रॉन्ग में आ रहे हैं। भैया किधर घूम रहा है, तो भाई ये जो है ना इनके खिलाफ
अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ इनको, लेकिन कहना ज़रूरी है और कहना पड़ेगा और वीडियो पे कहना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड हो, इन लोगों के तक पहुँचे और इनको फिर नज़र आए कि हम कर क्या रहे हैं यार। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ आज जब एक प्रॉपर रोड दिया गया है तो हम रॉन्ग भी क्यों जा रहे हैं। ये आ गया हमारा मीटअप पॉइंट। तो इन्होंने भी हेलमेट पहना हुआ है भाई, मैंने भी पहना हुआ है, सेफ राइड को प्रमोट करना है। अच्छा मैसेज सेंड नहीं हुआ। सेफ राइड को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग होपफुली कर रहे हैं। एटलीस्ट वेयर हेलमेट और प्रॉपर जो है आप रेटिंग वाला हेलमेट एक पहने। हाँ एंड लग रही है। क्या लग रही है? एंड लग रही है। जब वो बोल के दिखाओ 3-2-1 पिल्ले। ओके अल्लाह हाफिज। तो भाई मर्दान प्याला होटल से हम लोग अब निकल रहे हैं कोसार की तरफ। बॉयज़ का मूड बना है कि कुछ खा लेते हैं, तो लेट्स सी। शर्जील भाई की तरफ से रिकमेंडेशन आई है कि वहाँ का कुछ स्पेशल खाएंगे। ये बंदा आज KFC की ट्रीट फोड़ के आया है कि भाई यूनिवर्सिटी मेरी जो हो गई है ख़त्म, यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है बंदे की, और चार सप्ली है इसकी भाई। सेवन सात। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो सात सप्लियां है, यूनिवर्सिटी खत्म हुई है और ये आईफोन के फ्लॉन्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त। सही है सही है। वी विल एक्सपोज, एक्सपोज करो भाई, एक्सपोज करो। तो इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर इंटरवल्स में जो है वीडियोस मिलती रहेंगी, बट आप लोगों का सपोर्ट जो है अभी तक जो मिला है, आई एम ओवरवेलम्ड बाय दैट। बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और होपफुली आगे भी मिलता रहेगा। जाए कि अब कुछ टाइम के लिए ये भी करूं, इस तरह से रैंडम वीडियोस बनाऊं, और जो उसमें एक मेरा एजेंडा है कि जो हमारे मुल्क में स्पेशली हैदराबाद में जो लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसको मैं हाईलाइट करूँ। हो जाएंगे और ये बॉयज़ पता नहीं किधर रह गए। जा रहे हैं बिल्कुल ही रोशनी करते हुए। एसन ऑन CG 125, शर्जील और उसका भाई ऑन CB 150, होंडा CB 150। देन देयर इज मोहसिन एंड ताहा ऑन GS 150, एंड दिस इज मी ऑन RX 3। लुक एट दैट व्यू, ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। I don't know if the camera could capture it, but it looks so beautiful. Helmet is must for all. मेरे साथ भी हैं ये लोग, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। थोड़ा सा हम लोग जो है ना प्रैक्टिस हमारी छूट गई थी, क्योंकि ये बहुत ही टाइम के बाद ये मीटअप हो रहा है। तो उससे पहले ये होता था कि हम लोग ये मैंडेटरी करते थे कि भाई जब भी निकलना है तो स्पेशली हेलमेट, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट तो कम से कम पहने यार। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वाइट सॉस केचप ले आओ, केचप गार्लिक यार मायो वाली इसको मारियो दो। हेलो चमक रहे हो?